पर मेरे मौसम में तो अभी थक चुका हूँ कि मेरी तो तबीयत भी खराब है अन्य के तबीयत देखो मेरी तो तबीयत भी खराब है क्या अन्य का देखो देखो पंद्रह पंद्रह पासपोर्ट पड़े छोकर दिखाओ ना सबको ने कहा पंद्रह ने के वीजा लगने के भी जगह नहीं क्या तो बस मेरे मोहतरम बुजुर्ग पर दोस्तों ने कहा पूरे उम्र में दुनिया दिन क्या ने कहा दिन आ जावे अन्य के सबको हिदायत मिल जावे इसके लिए मेहनत और कोशिश है क्या ने कहा साल के चार महीने तो ने कहा सब लगावे चिल्ला तो ऑटो की तकलीफ है क्या ने कहा ऑटो ये ऑटे में क्या हाँ बोले महबूब तुम भी कुछ कहो ना बोले महबूब बोले अब सब अपने जैसे फरवा है और मेरी सौ फीसद वही रहा है सही अम्बोली साहब बैठे हैं तो अब मेरी गुजारिश है कि जैसे ऑफिस साहब ने कहा सब अमल कर दे और इसके बाद मुझे पता है साहब भाई अभी कुछ कहेंगे भाई देखो महबूब ये जो तुमने कहा है ना ये तो हम तीन सालों से सुनते आ रहे हैं लेकिन बात खोपड़ी में घुसती नहीं है अब देखो अब्दुल मुकीब बोलेगा अभी क्या है हमारी खोपड़ी में तो घुस गया हम तो बंगाली हम तो मस्ती करते हैं अब आपकी खोपड़ी बड़ा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं अभी सोनू साहब अभी कुछ बोल रहे देखो कहना क्या है जी ये बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं उधर मौली साहब पाकिस्तान भाग जाएंगे अमीर साहब चले चलिए लंदन चलते हैं वाले नहीं बोला भाई मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्त है अब मैं भाई क्या बोलूं ये तो इस तरह लड़ते रहते हैं भाई हाफिज साहब के पीछे चला जाता हूँ कल रात को मैंने फ्रिज खोला तो करी खींची पड़ी थी तो खाया उसके दागे भी दाढ़ी के अंदर है तो मैं साफ करके आता हूँ क्या बात हुई है जब कंप्यूटर अभी मेरी नकल नहीं मौली साहब है तैयार मौली साहब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये ऊपर जल्दी है चलो नहीं आदमी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये भी इसमें टाइम है लेकिन जिस दिन लॉन्च हो गया ये सब बंद हो जाएंगे यही सब शब जुमा में कम से कम 50 लोग जी तैयार हो गए मौली साहब का जी नहीं हुआ तैयार कोई ट्रेलर तो तैयार हो गया होगा नहीं बस ट्रेलर बच अगर ट्रेलर हो गया तो समझो फिर मुकम्मल हो गया